सुस्वागतम, कैसे है सब लोग? सगळं काही ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैपिटल गेन। हाँ, अब पता है कुछ टाइम पहले मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछा था, जब हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, कि होता है मिस्टर ए, ए के पास उसका घर है, ए ने अपना घर बी को क्या किया था, लेट आउट किया था। उसी टाइम पे मिस्टर पी था, पी ने अपना घर क्या किया था, क्यू को बेच दिया था। उस टाइम पे मैंने बोला था किसी ने अपना ये घर बेच के प्रॉफिट कमाया ना, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। और उस टाइम पे हमने इस चीज़ को इग्नोर किया था। कुछ याद आ रहा है? सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना हो गया? इधर देखो, और हमने इस चीज़ पे जूम किया था, करेक्ट। आज हम लोग इसको इग्नोर करने वाले हैं और जो इस जगह पे था उसके बारे में थोड़ा सोचने वाले हैं। अब पहले समझते हैं कैपिटल गेन मतलब क्या होता है। तो सिंपल चीज़ कि किसी ने बिना अपना एसेट बेच के प्रॉफिट कमाया, उसको बोलेंगे कैपिटल गेन। अब मैंने बोला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर तुम लोग सी ए फाइनल या आई पी सी सी के बच्चों को पूछो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है, तो सब लोग बोलेंगे कैपिटल गेन। और सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स, रूल्स, ट्रिक अगर कोई है तो ये है कैपिटल गेन। अब समझो क्यों? क्योंकि क्या होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी अगर कोई हेड जनरेट करता है ना, तो एक होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और दूसरा होता है कैपिटल गेन। और इसमें तो हर इंसान, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो सिर्फ बिजनेस करने वाले लोग ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, और यहाँ पे तो हर इंसान, मतलब एक बार सोच के देख लो, अगर मुझे घर परचेस करना है तो मुझे पता होता है कि थोड़ा अमाउंट मुझे एटलीस्ट 20-30% ना कैश देना पड़ेगा। ये कोई रूल नहीं है कि 30% कैश देना पड़ता है, ये कैश मतलब क्या हो गया, ब्लैक मनी जनरेट हो गया। तो टैक्स की चोरी होगी, और टैक्स की जब चोरी होती है तो गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा रूल्स उस पर आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बट टी वाई लेवल पे इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो भले ये डिफिकल्ट हो, हम लोग इसके बाजू में लिखने वाले हैं वेरी वेरी इजी, दिस इज़ रियली वेरी वेरी इजी, ठीक है। अब एक बार समझो, मैंने क्या बोला था कि मिस्टर पी है, पी के पास उसका एक घर है, अब उसने अपना घर क्यू को क्या किया, तो बेच दिया, सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद क्यू पी को कुछ पैसे देगा, पैसे देगा ना, घर फ्री में थोड़ी मिलने वाला है, घर परचेस किया तो पैसे देने पड़ेंगे, क्या देगा, तो कंसीडरेशन देगा। अब कैपिटल गेन में से बाहर आ जाओ, मैं तुम लोग को एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, स्कूल लेवल के क्वेश्चन पूछता हूँ, स्कूल से भी जूनियर केजी वाले क्वेश्चन, एक बार सिर्फ सोच के बताना। पी ने क्या किया, पी ने एक घर परचेस किया, परचेस कितने में किया, तो उसने 10 लाख में परचेस किया, ठीक है, और उस घर को क्यू को बेच दिया, सेल प्राइस बेच दिया, कितने में बेचा, तो उसने बेचा 18 लाख में। बताओ प्रॉफिट कितना है, कैपिटल गेन को दिमाग से निकाल दो, कैपिटल गेन के पास हम लोग बाद में आएंगे। अब बताओ यहाँ पे पी ने एक घर 10 लाख में परचेस किया और बेचा कितने में, 18 लाख। अब बताओ व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ, ओरली आ गया 8 लाख। तुम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, तुम लोगों ने क्या सोचा कि कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा गया, सिंपल चीज़, मतलब मेरे जेब में नेट कितना पैसा आ रहा है, मतलब तुम लोगों ने क्या सोचा, कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा गया, कितना पैसा आया तुम लोग के पास, 18 लाख आया, ओके 18 लाख आया, उसमें से कितना पैसा गया था, 10 लाख में घर परचेस किया था, ये होने के बाद मेरा क्या बचा, फ़ायदा, मेरा इस ट्रांजेक्शन में फ़ायदा कितना हुआ, 8 लाख का, सिंपल, मतलब कितना पैसा गया माइनस कितना पैसा आया, सिंपल चीज़। जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, कोई इडली वाले अंकल आते हैं, उनको पूछा जाए प्रॉफिट कितना हो, क्या देखेंगे, मेरे पास कितना पैसा आया और मैंने इडली बनाने में कितना पैसा डाला, जो मेरा प्लस आएगा दैट इज़ माई प्रॉफिट। अब इधर देखो, इसमें और थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं, इसने क्या किया, 10 लाख में घर परचेस किया, हाँ, फिर उसके ऊपर एक फ्लोर बना दिया, इसके लिए उसने कुछ खर्चे किए, ये खर्चे कितने किए, खर्चे उसने किए 3 लाख के खर्चे किए, मतलब उसने 10 लाख में घर परचेस किया, 3 लाख का खर्चा करके एक फ्लोर चढ़ा के लिया और फिर उस घर को बेच दिया, कितने में, 18 लाख में। अब बताओ व्हाट इज प्रॉफिट, फायदा कितना हुआ, नफा कितना हुआ, कैसे ढूंढेंगे, सिंपल चीज, कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा गया। अब कितना पैसा मेरे पास आ रहा है, मेरे पास ये 18 लाख आ रहा है, ठीक है, तो ये कितना पैसा आया मतलब क्या है, सेल, कितने में बेचा, 18 लाख में बेचा, कितना पैसा गया मतलब पहले तो है परचेस और एक है एक्सपेंस,
ऑन एसेट, उस एसेट के ऊपर मैंने कितना खर्चा किया, तो 3 लाख का खर्चा किया। मुझे बताओ मेरा फायदा मतलब प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट मेरा हुआ, सिंपल चीज, 18 में से ये 13 माइनस करेंगे, मेरा फायदा कितना हुआ, 5 लाख का, सिंपल चीज। तुम लोग को पता है हम लोग अभी एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और थोड़ा सा देख लो। एक घर 10 लाख में परचेस किया, उसने 3 लाख का खर्चा करके उसके ऊपर एक फ्लोर चढ़ा के लिया, अब इसका फोटो खींच के OLX पे डालेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या करना पड़ेगा, किसी ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर बोलेगा भाई मैं ये घर बेच के दूंगा, बट मेरा ब्रोकर है, मेरा ब्रोकर है 50,000। हमने बोला चलो ठीक है तू घर तो बेच के दे, 50,000 तेरे को मिल जाएगा। अब क्या हुआ, पी ने घर परचेस किया 10 लाख में, 3 लाख का खर्चा किया, और जब बेचना था ना तब ब्रोकरेज पे करना पड़ा। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना देना पड़ा, 50,000 का ब्रोकरेज देना पड़ा। अब बताओ पी का फायदा कितना हुआ, चलो फायदा चेक करते हैं। सिंपल लॉजिक, एक्स्ट्रा कुछ भी सोचने का नहीं, स्कूल के बच्चों का क्वेश्चन है, कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा गया। कितना पैसा आया, 18 लाख आए, ठीक है। अब सेल जब किया, सेल करते करते उसको इमिजिएटली 50,000 का ब्रोकरेज देना पड़ा, मतलब जैसे ही उसके हाथ में ये 18 लाख आए, 18 लाख में से उसने 50,000 उठा के उस ब्रोकर को दे दिए, मतलब नेट सेल मेरे लिए कितना हो गया, 17,50,000 रहे कि नहीं, 17,50,000। अब ये क्या माइनस किया मैंने, मैंने ये ब्रोकरेज माइनस किया, करेक्ट। अब ब्रोकरेज माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आया, नेट सेल, मतलब 18 लाख का असेट मैंने बेचा, उसमें से 50,000 का ब्रोकरेज दिया, तो मेरे हाथ में नेट कितना बच रहा है, 17.5 लाख। तो ये 17.5 लाख में से अब मैं देखूंगा मैंने उस असेट को कितने में परचेस किया था, और उस असेट पे मैंने कितना कितना खर्चा किया था, वो चीज़ें माइनस करनी है। अब ये मैं माइनस कर रहा हूँ, परचेस प्राइस पहले माइनस कर दी, फिर एक्सपेंसेस ऑन असेट भी माइनस कर लिए। अब बताओ मेरा फायदा कितना हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है 4,50,000। सबका आंसर यही है। अब अगर मैं बोलूँ ये 8 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया ऑन कैपिटल गेन, कैसा लगेगा, सच में हमने ये एग्जाम का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब मैं इसका क्वेश्चन फ्रेम करूं, मिस्टर पी परचेज अ हाउस फॉर ₹10 लाख, ही स्पेंट ₹3 लाख टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लोर ऑन दैट हाउस, मिस्टर पी सोल्ड हिज हाउस टू मिस्टर क्यू फॉर ₹18 लाख, एट द टाइम ऑफ सेल ही पेड ब्रोकरेज ऑफ ₹50,000। कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर मिस्टर पी। वाह कितना भयानक क्वेश्चन बन गया। अब पता है हमने सॉल्व कर लिया, हमने क्या किया, कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा गया, बट ये जो हमने किया है ना ये हमारे लैंग्वेज में लिखा है, बट टैक्स का लैंग्वेज ये नहीं है। टैक्स क्या बोलता है, तुम लोग टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अकाउंट्स के वर्ड नहीं चाहिए, सेल नहीं चाहिए, परचेस नहीं चाहिए, हमारे वर्ड चाहिए, टैक्स के वर्ड चाहिए। अब मैं ना इसी आंसर को हमारे टैक्स के वर्ड्स में लिख देता हूँ। अब देखो उन्होंने किस वर्ड को क्या बोला है, सबसे पहले हमने लिखा सेल। पता है टैक्स वाले सेल को क्या बोलते हैं, टैक्स वाले सेल को बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हे भगवान सर इतना बड़ा नाम, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हुआ, 18 लाख। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक बार समझो ये वर्ड क्या है, मतलब जो भी मुझे कंसिडरेशन मिलने वाला है उसका फुल वैल्यू, मैंने मतलब उसमें से ब्रोकरेज कुछ भी माइनस नहीं किया, जो भी कंसिडरेशन मेरे पास आया दैट इज माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और किस बात का कंसिडरेशन, उस असेट को ट्रांसफर करने के लिए जो भी मुझे कंसिडरेशन मिलने वाला है बस वो कंसिडरेशन। तो ये मैंने लिख दिया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब जो ब्रोकरेज है 50,000 का, इसको इनकम टैक्स वाले बोलते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस, ट्रांसफर एक्सपेंस। और जो नेट सेल है इसको क्या बोलेंगे, सिंपल नेट कंसीडरेशन। मतलब क्या, तो जो भी मेरा फुल कंसीडरेशन है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है, इसमें से मैंने ट्रांसफर करते टाइम जो भी खर्चा किया वो उठा के साइड में रख दिया, मतलब जिसको पे करना है मैंने पे कर दिया। अब मेरे हाथ में जो भी अमाउंट बचेगी दैट इज माई नेट कंसिडरेशन। अब नेट कंसिडरेशन कितना है, 17,50,000, करेक्ट। अब उसमें से क्या माइनस करना है, परचेस प्राइस, बट इसको परचेस प्राइस नहीं बोलते, इनकम टैक्स वाले बोलते उस असेट को एक्वायर करने के लिए तूने जितना कॉस्ट इनकर किया था। समझो फिर से एक बार, उस असेट को एक्वायर करने के लिए मतलब क्या, परचेस करने के लिए मैंने जो भी कॉस्ट इनकर किया था उस कॉस्ट को माइनस कर लो, मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
उस असेट को एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट मैंने इनकर किया था वो माइनस करना है. अब उसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. वो था 10 लाख. अब उसमें से और एक चीज माइनस करनी है. उस असेट पे मैंने जो खर्चा किया था, एक फ्लोर मैंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट किया था, वो जो खर्चा किया था वो माइनस करना है. अब वो खर्चा क्या है? उस घर की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट करूँ या साइड में एक रूम बनाऊँ या रिपेयर रिनोवेशन करूँ, जो भी उस घर की उस एसेट की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए जो भी मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ वो क्या है? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो माइनस करते हैं. चलो, एक्सपेंस ऑन एसेट तो अकाउंट्स वाला वर्ड लग रहा है, अकाउंट्स वाले वर्ड हम यूज़ नहीं करते. हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. करेक्ट. अब मैंने क्या किया, पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उस असेट को ट्रांसफर करके मुझे जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिला है वो कंसिडरेशन पूरा का पूरा 18 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे हमने पहले लिखा था. अब जैसे ही 18 लाख मेरे पास आया, ये 18 लाख मेरे जेब में नहीं रख सकता. ये मुझे क्यों आया? एक इंसान की वजह से आया, तो उसको मुझे ब्रोकरेज देना पड़ेगा. ब्रोकरेज, ट्रांसफर एक्सपेंस जो भी है वो ब्रोकरेज मैं पे कर दूंगा. ब्रोकरेज पे कर दिया. ब्रोकरेज पे करने के बाद जो अमाउंट मेरे पास बचेगी उसको बोलते हैं नेट कंसिडरेशन. तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस आ गया नेट कंसिडरेशन. अब इस नेट कंसिडरेशन में से मैं सोचूंगा कि मैंने उस असेट को कितने में परचेस किया था, मतलब उस असेट को कितने में एक्वायर किया था, मतलब उस एसेट को एक्वायर करने के लिए क्या कॉस्ट इनकर की थी, दैट इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. 10 लाख माइनस कर दिया. उसमें से और एक चीज माइनस करनी है. क्या माइनस करनी है? तो उस एसेट की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए मैंने जो भी कॉस्ट इनकर की थी, दैट इज माय कॉस्ट. ये सब करने के बाद जो मेरे पास फायदा और प्रॉफिट बचेगा, इसको इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कैपिटल गेन. और ट्रस्ट मी, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी थोड़ी वैरायटी होती है. ठीक है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. पहले बात समझिए कैपिटल गेन मतलब होता क्या है. सिंपल, किसी भी एसेट को बेच के जो प्रॉफिट होता है, दैट इज माय कैपिटल गेन. ठीक है, अब जरा इसको अच्छे से समझते हैं. ये एग्जांपल हम लोग आगे लेके जाते हैं. इस एग्जांपल में मैंने क्या किया था कि मिस्टर पी ने 10 लाख में घर परचेस किया था, 3 लाख का खर्चा किया सेल, ब्रोकरेज, कंसिडरेशन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया. अब देखो क्या हो रहा है. एक भयानक सा सेंटेंस में बोलने वाला हूँ. कोई भी इंसान अपना घर बेच के प्रॉफिट कमाता है तो उसको बोलेंगे कैपिटल गेन. करेक्ट. कोई भी इंसान घर बेच के प्रॉफिट कमाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल गेन. मगर कैपिटल गेन का मतलब सिर्फ घर बेच के होने वाला प्रॉफिट नहीं होता. सर ये क्या बोल रहे हो, बाउंसर सा हो गया. अब देख लो मैंने क्या बोला, फिर से सुन लो. घर बेच के होने वाला प्रॉफिट मतलब कैपिटल गेन, करेक्ट बात है. बट कैपिटल गेन मतलब सिर्फ घर बेच के होने वाला प्रॉफिट नहीं होता. सर तो क्या बेच के होने वाला प्रॉफिट होता है? ओनली घर नहीं, एसेट. और सिर्फ एसेट ही नहीं, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कैपिटल एसेट. ओके, इसका मतलब क्या, व्हाट इज कैपिटल गेन? किसी भी इंसान ने अपना खुद का कैपिटल एसेट किसी और को सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और उससे पैसे लिए, तो इस ट्रांजैक्शन में अगर मुझे प्रॉफिट होता है उसको बोलेंगे कैपिटल गेन. और सर अगर लॉस हुआ तो? सिंपल, अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे लॉस हुआ, तो उसको बोलेंगे कैपिटल लॉस. अब प्रॉब्लम एक ही बचा. सर सब कुछ समझ में आ गया, ये कैपिटल एसेट क्या होता है बताऊंगा, बट पहले समझो. सपोज ये मार्कर कैपिटल एसेट नहीं है. ठीक है, ये मार्कर कैपिटल एसेट नहीं है, मैंने इसको बेचा और प्रॉफिट कमाया. कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा. मैंने क्या बोला, ये मार्कर कैपिटल एसेट नहीं है, तो ये ऐसा एसेट है जो कैपिटल एसेट नहीं है, तो इसको बेच के मैं कितना भी प्रॉफिट कमाऊँ मुझे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. अब उससे कहाँ पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा वो बात छोड़ो, बट कैपिटल गेन में कैलकुलेट नहीं करूँगा. हाँ, दूसरी चीज, सपोज ये डस्टर, ये कैपिटल एसेट है, ये कैपिटल एसेट है और इसको मैं बेच के प्रॉफिट कमा रहा हूँ, अब मुझे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या, प्रॉफिट इज नॉट कैपिटल गेन. मुझे क्या देखना पड़ेगा, वो प्रॉफिट क्या सेल करके हो रहा है. अगर कोई कैपिटल एसेट सेल करके हो रहा है तो वो हो जाएगा कैपिटल गेन, और कोई ऐसा एसेट में सेल कर रहा हूँ जो कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर वो कैपिटल गेन भी नहीं है. ठीक है,
अब क्वेश्चन एक ही है कि कैपिटल असेट होता क्या है, बट उससे पहले हम लोग लिखने वाले हैं कि ये कैपिटल गेन का मतलब क्या है. सो व्हाट इज कैपिटल गेन? प्रॉफिट अर्न कैसे? बाय ट्रांसफर और सेल ऑफ कैपिटल असेट. किसने? बाय द ओनर. तो कोई भी ओनर अपना कैपिटल असेट किसी और को ट्रांसफर करेगा, सेल करेगा और उससे पैसे लेगा. इस ट्रांजैक्शन में अगर उसने प्रॉफिट कमाया उसको बोलेंगे कैपिटल गेन, अगर लॉस हुआ उसको बोलेंगे कैपिटल लॉस. ठीक है, अब जल्दी से बुक ओपन करना, अच्छे वर्ड्स में हेडिंग डालना कैपिटल गेन और उसके बाद लिखना. वेरी वेरी इजी. भले तुम लोगों को सब बोले कैपिटल गेन बहुत डिफिकल्ट है, सब लोग ऑप्शन में डालते हैं, बट मेरे स्टूडेंट्स अगर कैपिटल गेन को ऑप्शन में डाले मेरा तो ईगो हो जाता है. और मैं नहीं चला तुम लोग इसको ऑप्शन में डालोगे, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ने वाले. कैपिटल गेन वेरी वेरी इजी. हाँ, अब कैपिटल गेन की डेफिनेशन में लिख रहा हूं, मेरे साथ ही कॉपी करना. तो मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट स्लैश गेन अर्नड. कैसे? तो बाय ट्रांसफर. क्या? ऑफ कैपिटल असेट. किसने? बाय द ओनर. इज कैपिटल गेन मतलब क्या? तो प्रॉफिट गेन अर्नड बाय ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय द ओनर इज कैपिटल गेन. और अगर लॉस हुआ तो इन केस ऑफ लॉस इट इज कैपिटल लॉस. फायदा हो तो कैपिटल गेन, नुकसान हुआ तो कैपिटल लॉस. सिंपल. अब इसके नीचे एक डायग्राम जो हम बनाते हैं. ओके, तो अब एक ही क्वेश्चन बाकी है कि ये कैपिटल असेट क्या होता है. चलो समझते हैं कैपिटल असेट क्या होता है. अब देखो एक ही डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, मैं तुम लोग को लिख के दे सकता हूँ और बोलूँगा रट्टा मारो, तुम लोग को समझ में आएगी. एक्चुअली समझ में नहीं आएगा, ऐसा फील होगा कि हम लोग को समझ में आ गया है, बट होता ऐसा है हम काफ़ी बार अपने ब्रेन को ना ऐसे प्रोग्राम कर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा चेंज अगर हो जाए तो गड़बड़. इसके लिए लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब मैं ट्राई करूंगा कि इस डेफिनेशन का लॉजिक पूरी तरीके से तुम लोग के दिमाग में फिट हो जाए. हाँ चलो ट्राई करते हैं. अब पहले समझते हैं कैपिटल एसेट मतलब है क्या, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कैपिटल एसेट क्या होता है तो किस एसेट पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है मुझे वही नहीं समझेगा और मैं क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा. अब देखो उन्होंने क्या कर दिया, ये जो एसेट्स होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक रखा बिजनेस का एसेट, दूसरा रखा पर्सनल एसेट. और इनकम टैक्स वालों ने क्या बोला कि भाई साहब तुम्हारा पर्सनल एसेट है ना, तुम्हारे घर का टेबल, घर का चेयर, घर का सोफा, घर का कबर्ड, घर का एसी, तुम्हारा पर्सनल एसेट है, इसको हम कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे, तो इस पे कैपिटल गेन भी कैलकुलेट नहीं करना है. ठीक है, सिंपल चीज. घर का पर्सनल एसेट है, तुम्हारा पर्सनल एसेट तुम लोग बेचो, तुम्हारी घड़ी बेचो, तो ये मार्कर बेचो, क्या फर्क पड़ता है, मेरा पर्सनल एसेट है तो पर्सनल एसेट बेचूंगा तो उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे. क्यों? बिकॉज दैट इज नॉट कैपिटल एसेट. और अगर मैं बिजनेस का एसेट बेचूंगा तो ये कैपिटल एसेट है, इस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे. ये सिंपल रूल इनकम टैक्स ने रख दिया, पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, बिजनेस के एसेट्स कैपिटल एसेट है. बट इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई. अब कुछ ऐसे असेट्स होते हैं
जो भले बिजनेस के है बट कैपिटल एसेट नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अपने इंडिया के गांव का कोई किसान अपनी गांव की ज़मीन बेच रहा है, उसके पास क्या एसेट होता है? उसकी ज़मीन. अब वो कभी भी प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से अपने एग्रीकल्चरल लैंड सेल नहीं करेगा. वो ये नहीं सोचेगा कि अरे रेट बढ़ गया चलो लैंड सेल करते, नहीं, फिर अगले साल से खाएगा क्या? तो वो एसेट, वो अपना लैंड कब बेचता है? मजबूरी में. अपने बेटी की शादी के लिए लोन लिया था या एग्रीकल्चर के लिए लोन लिया था, बारिश नहीं हुई, कुछ गड़बड़ हो गया, अब करेगा क्या? लोन रीपे कैसे करेगा? दो ऑप्शन है, सुसाइड कर लो या फिर लैंड बेच दो. वो क्या करेगा? लैंड बेचेगा. तो मजबूरी का फ़ायदा गवर्नमेंट नहीं उठाती. गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिया का किसान, गांव का किसान अगर अपनी एग्रीकल्चरल लैंड बेचता है तो भले ही वो उसके बिजनेस का एसेट है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करता है, एग्रीकल्चर कमा के अगर वो पैसा कमाने वाला है तो बिजनेस का एसेट है, बट फिर भी भले ही वो बिजनेस का एसेट है हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे. तो उन्होंने क्या कर दिया, बिजनेस के एसेट में से ना एक चीज़ हटा दी. क्या हटा दी? उन्होंने बोला रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया. उन्होंने बोला कि अगर इंडिया में कोई गांव का किसान, रूरल एग्रीकल्चरल, अर्बन नहीं बोला, कोई मुंबई की, कोलकाता की, दिल्ली की लैंड बेचेगा तो नहीं चलेगा, रूरल एरिया की लैंड अगर कोई किसान बेचेगा एग्रीकल्चरल लैंड तो उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स नहीं मांगेगी. तो उन्होंने क्या बोला, चल ठीक है ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल असेट नहीं है, इस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके अलावा बाकी के जो भी बिजनेस के असेट्स है, अदर बिजनेस असेट्स, ये कैपिटल असेट है, इस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे. सिंपल चीज. तो अभी तक का रूल क्या है कि पर्सनल असेट को छोड़ ही दिया. पर्सनल असेट भाई तुम्हारा घर का असेट है, हम लोग उस पर टैक्स नहीं लेंगे, तुमको जो करना करो, फोटो खींच के ओएलएक्स पे डाल दो, हम तुमसे टैक्स नहीं मांगेंगे. बट बिजनेस का असेट बेचोगे ना, बिजनेस के असेट पे हम लोग टैक्स लेने वाले हैं. बट बिजनेस का असेट अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया है, इंडिया के किसी गांव की एग्रीकल्चरल जमीन है, तो उसको हम लोग छोड़ दें. उसके अलावा कोई भी बिजनेस का असेट बेचेंगे उस पे हम लोग कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे. ये तो रूल हो गया. बट और एक प्रॉब्लम सामने आ गया. फॉर एग्जांपल BMW कंपनी, उसके पास बहुत सारी कार है, गाड़ियाँ है कि नहीं? अब वो उनका एसेट है, करेक्ट? बट एक बात बोल, अच्छा और बिजनेस का एसेट भी है, उनका पर्सनल एसेट नहीं है. BMW कंपनी के पास जो गाड़ियाँ है जो उन्होंने मैन्युफैक्चर की है वो तो उनका बिजनेस का एसेट है, बट वो उनका फिक्स एसेट है कि गुड्स है? गुड्स, करेक्ट. अगर मैं BMW गाड़ी परचेस करूँ या कोई भी बिजनेसमैन BMW गाड़ी परचेस करेगा, उसके लिए वो क्या होगा? फिक्स असेट. बट BMW कंपनी के लिए, जो BMW गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रही है, उनके लिए वो क्या है? गुड्स. तो अगर मैं गुड्स को बेचूंगा, दैट इज माई बिजनेस एक्टिविटी. तो अगर मैं मेरे गुड्स को, स्टॉक इन ट्रेड को, मेरे क्लोजिंग स्टॉक को अगर बेचूंगा, तो उससे जो भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, दैट इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस. अब मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करके टैक्स पे करूंगा, फिर से इनकम टैक्स वाले BMW के पास जाएगी, उनको बोलेंगे भाई साहब आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस तो भर दिया, वेरी गुड, बट तुम लोगों ने एसेट बेचा है, बिजनेस का एसेट बेचा है जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया नहीं है, अदर बिजनेस एसेट है, तो इस पे तुम लोगों को कैपिटल गेन का टैक्स भी पे करना पड़ेगा. गलत बात. मतलब एक ही इनकम पे दो बार टैक्स पे करो, ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए उन्होंने और एक चेंज कर लिया. और वो चेंज क्या है, उन्होंने रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को हटा ही दिया था, दूसरी चीज भी हटा दी, वो है स्टॉक इन ट्रेड, मतलब उनके गुड्स. इन्हीं कुछ रीजन के वजह से उन्होंने और एक चीज हटा दी और वो है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स. गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे चाहिए थे, गवर्नमेंट ने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशू किए. अब लोग उसको परचेस नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दो फायदे दे दिए. पहला फायदा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स अगर तुम लोग परचेस करोगे तो बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट पे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. अरे याद है क्या, प्रियंका चोपड़ा के घर के टेरेस पे कुछ याद है तो PCG फॉर क्या था, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स. तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दो फायदे दे दिए. पहला फायदा ये है कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पे जो भी इंटरेस्ट तुम लोग कमाओगे उस पे हम लोग टैक्स नहीं मांगेंगे. दूसरा फायदा क्या दिया, जब भी ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स तुम लोग बेचोगे और बेच के प्रॉफिट कमाओगे तो भी हम लोग तुमसे टैक्स नहीं मांगेंगे. तो उन्होंने क्या कर दिया, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और ऐसे कुछ स्पेशल बॉन्ड्स, इन चीजों को कैपिटल एसेट के बाउंड्री से हटा दिया, तो इन पे कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा. तो डेफिनेशन सिंपल सी होगी. उन्होंने क्या बोल दिया, भाई साहब तुम्हारा पर्सनल एसेट छोड़ दिया,
पर्सनल असेट पे टैक्स नहीं चाहिए, बट जो बिजनेस का असेट्स है ना, बिजनेस असेट पे टैक्स लेंगे, बट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, स्टॉक इन ट्रेड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, इनको छोड़ के, इनके अलावा बाकी जितने भी बिजनेस के असेट्स है उस पर हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन, ये कोचिंग क्लासेस वाले, इनका प्रॉपर बिजनेस है, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, हमारे पास ये एसी है, ये एसी अगर इस क्लासेस ने बेच दिया, कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? चलो सोचते हैं, पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि कोचिंग क्लासेस के लिए जो एसी है बिजनेस असेट है कि पर्सनल असेट है? बिजनेस असेट, करेक्ट। अब बिजनेस असेट में ये एसी जो है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है क्या? नहीं। एसी स्टॉक इन ट्रेड है क्या? ये एसी बेचना हमारा बिजनेस है क्या? नहीं। ये एसी मतलब गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है क्या? नहीं। मतलब एसी क्या आ गया? अदर बिजनेस असेट। तो ये कैपिटल असेट है, इस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड अगर हमने बेच दिया, इस क्लासेस वाले ने बेच दिया, चलो चेक करते हैं कैपिटल असेट है कि नहीं है। पहले ढूंढेंगे बिजनेस असेट है कि पर्सनल असेट है? पर्सनल तो नहीं है, बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस में भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है क्या? इस पे खेती कर सकते हैं क्या? नहीं। ये कोई स्टॉक इन ट्रेड है क्या? ये बोर्ड बेचना हमारा धंधा नहीं है। अच्छा, ये बोर्ड मतलब गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स या स्पेशल बॉन्ड्स है क्या? नहीं। मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया अदर बिजनेस असेट। मतलब इस बोर्ड को बेचेंगे ना तो भी हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, इस क्लासेस के ओनर, उनके घर पे भी एसी होगा। अब वो एसी, चलो वो एसी अगर उन्होंने ओएलएक्स पे बेच दिया, चलो चेक करते हैं कि उस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। उनके घर का एसी बिजनेस असेट है कि पर्सनल असेट है? पर्सनल। मतलब ये कैपिटल असेट नहीं है, इस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे समझा, कैसे पहचानेंगे? अच्छा, और एक क्वेश्चन, गुडविल, बिजनेस का गुडविल अगर उन्होंने बेच दिया, अगर बिजनेस का नाम बेच दिया तो क्या करेंगे? चलो चेक करते हैं, बिजनेस का नाम मतलब पर्सनल असेट है क्या? नहीं, बिजनेस का असेट है। अच्छा, वो गुडविल रूरल एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं है, गुडविल मतलब स्टॉक भी नहीं है, गुडविल मतलब गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स भी नहीं, तो गुडविल कहाँ जाएगा? अदर बिजनेस असेट। मतलब अगर गुडविल भी बेचेंगे तो भी मुझे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आई क्या? अब देखो और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बिजनेस वाला पार्ट तो खत्म हो गया, इससे मुझे समझ में आ गया कि कैपिटल असेट क्या नहीं होता है और कैपिटल असेट क्या होता है, किस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करना है और किस पे करना है। अब पर्सनल की बात तो सिंपल थी, पर्सनल मतलब कैपिटल गेन कैलकुलेट करना ही नहीं है, बट इससे कुछ प्रॉब्लम हो गए। प्रॉब्लम ये हो गई कि लोगों ने अपने घर बेचे, लैंड बेची, बंगले बेचे, बहुत पैसा कमाया और टैक्स पे ही नहीं किया, और बोला भाई साहब वो घर, वो बंगला, वो लैंड हमारा पर्सनल असेट है, हमारा बिजनेस असेट नहीं है। तो पर्सनल असेट बेचेंगे तो कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करना है। गवर्नमेंट की आंखें खुल गई, गवर्नमेंट को समझा, वो शिट इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई कि हमने घर को छोड़ दिया, अब लोग घर बेच के लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहे हैं और हमें टैक्स नहीं मिल रहा है। इमीजिएटली गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया और क्या बोला कि भाई साहब ये गलती हम फिर से नहीं करने वाले, पर्सनल असेट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक हम लोग रखने वाले इमूवेबल पर्सनल एसेट और दूसरा रखने वाले मूवेबल पर्सनल एसेट। और उन्होंने क्या बोल दिया, मूवेबल पर्सनल एसेट छोड़ो भाई, ये कैपिटल एसेट नहीं है। तुम्हारे घर का एसी, तुम्हारे घर का सोफा, घर की चेयर, घर का टेबल, घर का पंखा, घर का ट्यूबलाइट, जो भी तुम्हारे घर का है तुम लोग को बेचना है, बेचो भाई, हम उस पर टैक्स नहीं मांगेंगे। उस पर क्या टैक्स हम लोग मांगेंगे? बट ये इमूवेबल पर्सनल असेट को हम लोग नहीं छोड़ने वाले। इमूवेबल पर्सनल असेट जो भी होता है ये कैपिटल असेट है, तो इस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। अब रूल इतना सही था, क्या हो गया, बिजनेस वाली बात तो समझ में आ गई, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, स्टॉक एंड ट्रेड और ये बॉन्ड छोड़ के बाकी के सारे बिजनेस असेट मतलब कैपिटल असेट है। और पर्सनल में क्या हो गया, पर्सनल में अगर इमूवेबल असेट है, इमूवेबल पर्सनल असेट, तो वो कैपिटल असेट है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, बंगलो, घर, जो भी है। बट अगर मूवेबल पर्सनल असेट है तो उसको उन्होंने छोड़ दिया।